इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। बीते दिनों कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर पर भारत ने अधिकृत कब्जा किया है। इसके साथ भारत निर्दोष कश्मीरियों को मार रहा है, जिसका करारा जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद खेदजनक हैं। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने मामलों पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान को भारत और उसके अन्य पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवादियों और आतंकवादी गतिविधियों का पूरी तरह से समर्थन बंद करना चाहिए, जिससे आतंकवाद के बुनियादी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करके इस क्षेत्र के लोगों के हितों की सेवा कर सके। भारत की तरफ से किए गए इस ट्वीट से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर कहा था कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या का वो निंदा करते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इस बात को समझे और कश्मीरी लोगों की इच्छा के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत इस मामले को सुलझाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। बीते दिनों कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ स्थल पर हुए विस्फोट के चलते पाक पीएम इमरान खान का ये ट्वीट आया था कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मुठभेड़ स्थल पर हुए एक विस्फोट में 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर थी। बीते रविवार को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि मुठभेड़ खत्म होने के बाद हुए एक विस्फोट में 6 कश्मीरी नागरिक मारे जाने की खबर थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।